नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरेंद्री यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की जो भी नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वृद्धजनों को फ्री यात्रा करवाई जाएगी जो शुरू हो चुकी है। आपके भी परिवार में यदि वृद्धजन है तो आप वृद्धजन फ्री यात्रा जो योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि वृद्धजनों को फ्री यात्रा करने का आनंद मिल सके। 200 यूनिट फ्री बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ किसानों के लिए राजस्थान में कृषि मंत्री का आदेश 200 करोड़ रुपए माफ, 66,000 किसानों के लिए सरकार की ओर से स्वीकृति दे दी गई है, जिसके माध्यम से 200 करोड़ रुपए किसानों के लिए माफ किए गए हैं। फ्री राशन यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको एक काम करना होगा जिसके माध्यम से आप फ्री राशन ले सकें। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई जो एक योजना थी उसको भजनलाल सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। तो इस प्रकार से राजस्थान में एक और योजना अब राजस्थान में बंद कर दी गई है। दोस्तों, सभी घोषणाओं के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर आर पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती हैं वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके और जानकारी लेकर के सभी लोग इन योजनाओं की जानकारी लेकर के सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो दोस्तों आप 200 यूनिट तक फ्री बिजली ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस योजना को शुरू कर दिया गया है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। बिजली बिल माफी योजना रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सभी लोगों का पूरा बिजली बिल माफ होगा। आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बिजली बिल माफी योजना का शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब और जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको बिजली के बिल से राहत मिल सके। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बिजली का बिल भरने में उनको समस्या आती है तो सरकार ने बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ कर दिया है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, 200 यूनिट तक फ्री बिजली आप सरकार से ले सकते हैं, जिसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो योजना है उस योजना का नाम है बिजली बिल माफी योजना, जो कि आर्थिक मदद उन परिवारों को करेगी जो परिवार गरीब परिवार है। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी करेगी सरकार और घरेलू बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको 200 यूनिट तक इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप 200 यूनिट से कम बिजली खपत कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गरीब परिवार बिजली बिल भरने के अंदर सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और आप 200 यूनिट तक सरकार के द्वारा अनुदान ले सकते हैं। बिजली बिल माफी योजना को सरकार शुरू करी की है जिसका उद्देश्य कि जो गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं जिनको बिजली से राहत मिल सके, इसलिए इस योजना के तहत आप 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह योजना उन लोगों के लिए है जो घरेलू बिजली का कम उपयोग करते हैं, जैसे कि पंखा, टीवी, ट्यूबलाइट जलाते हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई परिवार अपने घर में ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण जैसे कि एसी, हीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिएंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं तो आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको फ्री बिजली योजना के माध्यम से हर महीने 200 यूनिट तक का लाभ मिल सके। यदि आप इस फ्री बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और बैंक खाता नंबर आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिएंगे। ये यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो इन दस्तावेजों को साथ लेकर के आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भर के आप नज़दीकी जो बिजली विभाग है उसके कार्यालय में आप अपने फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, फ्री बिजली योजना का लाभ कौन ले सकता है उसके बारे में भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
आपके घर में बिजली की कुल खपत 2 किलोवाट या उससे कम होनी चाहिए। घर में एसी, हीटर आदि जैसे बिजली खपत करने वाले उपकरण हैं वो आपके पास नहीं होने चाहिए। योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब और जो छोटे परिवार हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो बिजली विभाग है उसकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां से आपको बिजली बिल माफी जो योजना का फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। उस फॉर्म में आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, अन्य जो जानकारी मांगी जाए वो सभी आप उस फॉर्म के अंदर भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ लगा रहे हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल और आय प्रमाण पत्र। भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करके अपने नज़दीकी जो बिजली का विभाग है उसके कार्यालय में आपको जमा करवाना होगा। यदि आप इस प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म जमा करवाते हैं तो आप भी फ्री बिजली योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 200 यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजना थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका अब नाम बदल दिया है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को बंद करके अब उसके स्थान पर दूसरी योजना शुरू कर दी गई है। कन्याधाय बाल गोपाल योजना अब इसके स्थान पर शुरू की गई है। राजस्थान सरकार के आयुक्तालय विभाग के द्वारा मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। जैसे कि दोस्तों पीएम पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्निहित शिक्षण संस्थाओं के अंदर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई जा रही थी, जिसके माध्यम से कक्षा फर्स्ट से लेकर के प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध होता था। अब उस योजना का नाम बदल करके पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। तो दोस्तों जो सरकारी स्कूलों के अंदर छोटी क्लासों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता था उस योजना को अब बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर अब सरकार ने दूसरी योजना शुरू कर दी है। दोस्तों यदि आपके परिवार में वृद्धजन है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनके लिए सरकार ने फ्री यात्रा योजना निकाल दी है, शुरू कर दी है। देवस्थान विभाग के द्वारा आम सूचना प्रेषित की गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 शुरू कर दी गई है। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है उनको फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों फ्री में यात्रा करवाई जाएगी रेल के द्वारा, इन 15 स्थानों की फ्री में यात्रा उन सभी वृद्धजनों को करवाई जाएगी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन सभी स्थानों की फ्री में यात्रा रेल के द्वारा करवाई जाएगी। हवाई जहाज के द्वारा पाशुपति नाथ का जो मंदिर है काठमांडू नेपाल के अंदर, वहां की यात्रा भी अब वृद्धजनों को करवाई जाएगी। इसके लिए फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए पात्रता बताई गई कि राजस्थान का मूल निवासी जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और आयकर दाता नहीं है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अर्थात इस योजना के माध्यम से फ्री यात्रा कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसमें डेट बताई गई है कि 4 सितंबर 2024 से 19 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में भी इस प्रेस नोट के अंदर बताया गया है कि यात्रा से संबंधित विस्तृत शर्तें और दिशा निर्देश देवस्थान विभाग की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप आसानी से देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए इसके साथ ही दूसरे एक वेबसाइट और यहाँ पर बताई गई है, इन आप दोनों वेबसाइट पर आसानी से ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आप खुद भी फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं या आप कंप्यूटर या फिर ई मित्र की मदद से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दो वेबसाइट यहाँ पर जारी की गई हैं। इन दोनों वेबसाइट के माध्यम से आप अपने परिवार के वृद्धजन का फॉर्म भर सकते हैं ताकि ये रेल के द्वारा या फिर हवाई जहाज के द्वारा आसानी से वृद्धजन फ्री यात्रा कर सके। तो दोस्तों ये वृद्धजन लोगों के लिए थी, निःशुल्क तीर्थ यात्रा है जो देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और फ्री यात्रा का आनंद ले सकते हैं। फॉर्म भरने वाला जो भी अभ्यर्थी है, जो भी आवेदक है, उसकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। फॉर्म आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के भर सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे, जैसे कि वृद्धजन का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मेडिकल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल आपको चाहिएगा। ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जैसे ही एक्सेप्ट होगा वैसे ही आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी और सूचना के माध्यम से आपको रेल या हवाई जहाज के माध्यम से फ्री यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों किसानों के लिए भी राजस्थान के अंदर गुड न्यूज निकल करके आ चुकी है, इससे किसानों की बल्ले बल्ले होगी। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को राजस्थान सरकार 50% तक का अनुदान देगी, सब्सिडी देगी। इसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में आप जान लीजिए।
जो भी खेती करने वाला किसान है वो किसान बुआई जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य करते हैं, उन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देना शुरू कर दिया है, सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। यदि आप भी किसान हैं तो आप भी यंत्र खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, उसके लिए सरकार आपको 50% का अनुदान देगी, जिससे किसानों पर इससे आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस योजना के लिए सरकार ने किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान प्रावधान किया है, यानी कि 200 करोड़ रुपए किसानों के लिए सरकार ने बजट तैयार कर दिया है, जारी कर दिया है, ताकि किसानों को आर्थिक सहयोग मिल सके। राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर SC ST और लघु सीमांत महिला किसानों को ट्रैक्टर की BSP के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक का तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का अधिकतम 40% तक का अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। लघु एवं सीमांत किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है। आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, अर्थात साथ में देना होगा। यदि आप भी कोई भी किसी प्रकार का यंत्र या मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपको भी सरकार की ओर से सब्सिडी 50% मिल सके। कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि राज्य किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे कि रोटोवेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंड फार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, डिस्क हैरो, ब्लाउज आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप ट्रैक्टर पर और इन सभी यंत्रों पर आप सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से ही खरीदना होगा और सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक अकाउंट के अंदर हस्तांतरित किया जाएगा, यानी कि राशि बैंक अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। लेकिन इस योजना में बताया गया है कि एक जन आधार के माध्यम से किसान एक ही आवेदन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक ही बार अनुदान दिया जाएगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम, भूमि और ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से किसान 50% तक का अनुदान ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। यदि किसान किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन या यंत्र खरीदता है तो सरकार उसके ऊपर 50% सब्सिडी दे रही है। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इन योजनाओं में से किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे।